ये वाला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आप सब पूछ रहा है कि उसके एक्सेलरेशन कैसा होगा। फिर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और मैं कहूँ कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से है तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। जब नहीं बढ़ रही तो ये स्ट्रेट लाइन वाला एक्सेलरेशन ज़ीरो देकर जाता है कि एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे को ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसमें देखो टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन आता है फिक्स्ड, मतलब एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इसमें वर्क करता है, उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो काम करता, तो ये दोनों हो गए। तो इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट, नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। जब स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो स्ट्रेट लाइन अगर होता तो एक्सेलरेशन ज़ीरो भी होता और फिक्स भी होता। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, ज़ीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो और कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन के ही केस में होते हैं। चलो आगे चलते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन, अगर आप निगेटिव एक्सेलरेशन की बात करोगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन होता, बट कुछ ग्राफ इस तरह से आता नीचे की तरफ को, तो निगेटिव एक्सेलरेशन कुछ आपको ऐसे मिल जाता है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन का भी एक तरह का स्ट्रेट लाइन ही आता है। देखो ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ को, तो इसका मतलब एक तरह का जो ग्राफ है वो एक वेरिएबल है, मतलब एक्सेलरेशन जो है, सॉरी फॉर दैट, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अब इसको कैसे बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आप इसको ऐसे दिखा दो, देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्सेलरेशन फिर भी है लेकिन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, मतलब एक तरह का वेरिएबल। चलो चीज़ों को बारीकी से समझाने की कोशिश की है मैंने आपको।